का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है। इसी बीच नीतीश कुमार ने आज एनडीए विधायक दल की बड़ी बैठक बुलाई। बता दें कि एनडीए विधानमंडल दल की नीतीश कुमार ने बैठक बुलाई, जहां नीतीश कुमार ने इस बैठक में एनडीए के नेताओं को कई अहम निर्देश दिए। साथ ही विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों को लेकर के भी बातचीत की और काफी रणनीतियां बनाई। बता दें कि नीतीश कुमार ने एनडीए के सभी विधायकों को सत्र के दौरान सदन में मौजूद रहने का साफ निर्देश दिया। साथ ही नीतीश कुमार ने उस बैठक में सत्ता पक्ष के हर एक विधायकों को ये साफ साफ कह दिया कि उन्हें विपक्ष के हर सवाल का जवाब देना है। सरकार विपक्ष के द्वारा किए गए हर सवाल का जवाब देगी। इस बैठक में नीतीश कुमार ने साफ निर्देश दिया है। बता दें कि इसके अलावा नीतीश कुमार ने इस बैठक में अपने विधायकों को ये भी बताया कि लगातार सरकार के द्वारा जो भी काम बिहार में किए गए हैं, उन तमाम कामों को लेकर के वो जनता के बीच में जाए और जनता को बताए, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए को इसका लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधायकों को निर्देश दिया कि विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा के अंदर रहकर विपक्ष के हर सवाल का जवाब दे। विपक्ष विधानसभा में बिहार में हो रहे अपराध और गिर रहे पुल को लेकर के लगातार सवाल उठा रहा है, जिसको लेकर के बीजेपी और जेडीयू आमने सामने नजर आ रही है। और इसी बीच अब नीतीश कुमार ने विधायक दल की बैठक बुलाई और सबको अहम निर्देश दिए। बता दें कि बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर एनडीए के विधायक दलों की अहम बैठक हुई और ये मीटिंग बिहार विधानसभा के एक्सटेंशन सेंट्रल हॉल में हुई। बड़ी बात यह है कि इस मीटिंग में विधानमंडल के मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष के सवालों का किस तरह से जवाब देना है, इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंभीरता से तमाम नेताओं के साथ चर्चा की। इसके साथ ही 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर के आगे की रणनीति भी तैयार की गई। पटना से शशि भूषण कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।